असल नाजी मैं मैं मंसूर अली खान अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा नाजिन ना, इस वीडियो के अंदर एक अहम ख़बर आप आपके हवाले से आपको आप शेयर करेंगे इमरान रियाज खान के हवाले से इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा इसके साथ साथ कुछ और भी अहम खबरें हैं सियासत के मैदान से भी लेकिन जारी बात है सारा फोकस आज के दिन का जो है वो खेल के मैदान की तरफ है बड़ा टकराव आज हो रहा है पाकिस्तान और भारत का जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त भी ये मैच शुरू हो चुका है पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज़ जो है बड़ा सेफ था लेकिन उसके बाद एक विकेट जो है 48 के रन के ऊपर गिर गई लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है वो आप कह सकते हैं कि अच्छा आगाज़ जो है वो हुआ था जब 48 एट फॉर वन अभी ये स्कोर है मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त विकेट गिरी है लेकिन 48 एट फॉर वन अभी है नौ ओवर हो चुके हैं तो बेस्ट ऑफ लक टू द ग्रीन शर्ट्स आई होप विन सबसे मेरे लिए, लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत है गुजरात जिसके शहर अहमदाबाद के अंदर जो है वो ये मैच हो रहा है बहुत बड़ा क्राउड है जो बेसिकली इस स्टेडियम के अंदर आया हुआ है और उसके सामने अगर पाकिस्तानी मैच जीत जाता है तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मुराल बूस्टर होगा निगरान वजी अजम अनवर उलह काकड़ साहब ने भी जो है वो ट्वीट किया उन्होंने कहा कि जी आ, कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार उम्मीद है आप लोग बिल्कुल वैसे ही खेल पेश करेंगे जज्बे और हिम्मत का मुजाहरा करेंगे जिसके लिए आप मशहूर हैं तमाम कौम आपके साथ खड़ी है तो ये जनाब अब मैच जो है वो जारी है लेट्स होप दैट पाकिस्तान इज एबल टू वन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा वन मिलियन सब्सक्राइबर्स के टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा अच्छा जी अब एक बुरी खबर वो ये है कि जनाब हफ्तावार महंगाई जो है वो बढ़ के अड़तीस फीसद तक पहुंच चुकी है अड़तीस आश्र या दो आठ बल्कि हसास कीमत इंडेक्स एस पी आई से पैमाइश करदा खलील मुद्दती महंगाई बारह अक्टूबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान सालाना बुनियादों पर बढ़कर अब अड़तीस आशार दो आठ फ़ीसद पर पहुंच चुकी है ये पाँच हफ़्तों में दूसरा बड़ा इजाफा है आ, इसके बढ़ने की बुनियादी वजह बिजली पेट्रोलियम मसनूआत एल पी जी और अशिया ज़रूरिया कीमतों में इजाफ़ा है जिसकी वजह से ये प्राइस जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो ज़्यादा आ रहा है बहरहाल आज चौदह तारीख है हो सकता है कि अगले चौबीस घंटे के अंदर अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से जो है पिछले तीन चार दिन से ये चल रहा है कि एक मेजर ड्रॉप आ सकता है और अगर ये ड्रॉप आ गया तो हो सकता है कि आपकी जो महंगाई का जो महंगाई की जो शराह है उसके अंदर भी एक ड्रॉप हम देखें आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर लेकिन देखते हैं कि कितना बड़ा ड्रॉप आता है आता भी है कि नहीं आता लेट सी वॉट हैपन्स एक्सप्रेस के अंदर शहबाज राना साहब की खबर है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट एम की लागत को कम करने के लिए मुजाक्रत जो हैं वो शुरू हो चुके हैं चीन एम एल वन मनसूबे के कुछ हिस्सों को कम करके लागत में तीन आशर या दो अरब डॉलर की कमी करना चाहता है जिसके बाद मनसूबे की लागत नौ आशर या नौ अरब डॉलर से कम होकर छः आश्यार या सात अरब डॉलर तक रह जाएगी लागत को कम करने के लिए पाकिस्तान और चीन के हुकाम के दरमियान बीजिंग में मुखरत का सिलसिला अभी भी जारी है इस मनसूबे की लागत को कम करने के लिए मनसूबे के डिज़ाइन में तब्दीली समेत ट्रेन की रफ्तार और मुतद पलों की पुलों की तादाद में कमी का मनसूबा भी ज़ेर गौर है ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर फ़ी घंटे से कम करके 120 किलोमीटर फी घंटे करने की तजवीज़ है जिससे लागत में बहुत कमी वाकई होगी इसके अलावा बहुत से पुल फ्लाईओवर्स और अंडरपास भी लागत में कमी करने के लिए मंसूबे से निकाले जा सकते हैं एम वन का जो प्रोजेक्ट है वो पिछले कई सालों से जो है वो लटका हुआ है और ये बेसिकली रेल का प्रोजेक्ट है और अगर ये हो जाता है तो सी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मदद फराम कर सकता है अबलेट सी कि इसके ऊपर जो है मुजात कितने कामयाब होते हैं अच्छा जी इसके अलावा कल हमने आपको एक खबर दी थी और वो ये थी कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये जो परवेज मुशरफ साहब की जो जमात थी जिसे कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे डी रजिस्टर कर दिया है और उकाब का इंतवी निशान इनके पास था तो आ, उसके बाद जो है वो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए जो है वो ओकाब का निशान मोस्ट प्रॉबली अलॉट कर दिया जाएगा इन्होंने अपनी पार्टी को जब रजिस्टर किया था जहांगीर तरीन और अलीम अलीम खान साहब वाली जो पार्टी थी इसको जब रजिस्टर किया था तो उकाब का निशान इन्होंने मांगा था लेकिन उसके ऊपर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानब से जो एतराज़ किया गया था कि जी हमारा इंतबी निशान है आप इसको नहीं दे सकते उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी हयरिंग्स वगैरह हुई और अल्टीमेटली यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि जी अब यह पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती और ना इन्होंने अपने गुशवारों की तफसीत जमा करवाई हैं ना इंटरा पार्टी इलेक्शन की डिटेल्स जमा करवाई हैं सो इसलिए इसको जो है वो डीलिस्ट किया जाता है अच्छा जी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते जो है वो उसका रोस्टर जो है वो सामने आया है अठारह अक्टूबर को दो साल के वक्फे के बाद बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब का केस जो है वो अब सुना जाएगा ये बहरिया टाउन का चार सौ साठ अरब रुपए के हवाले से डील का केस है चार सौ साठ अरब रुपए वाला केस आखिरी बार इक्कीस मई दो हजार इक्कीस को सुना गया था जब बेंच को बताया गया था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बहरिया टाउन के साथ एम ओ यू साइन कर रहा है इक्कीस मार्च दो हज़ार उन्नीस को पाकिस्तान की अदालत ने कराची में निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन की जामिया की तरफ से इन पर मुकदमा खत्म करने के लिए चार सौ साठ अरब रुपये की पेशकश कबूल कर ली है और नैब की मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से भी रोक दिया गया था अदालत ने बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंस को माहदे की खिलाफवर्जी से मशरूत किया था इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसम हुआ था जब यह चार सौ साठ अरब रुपये की यह डील हुई थी तो उसके ऊपर ये कहा गया था कि जनाब ये तो वही वाली बात होगी कि पैसे दे दिए और उसके बाद आपकी जान छूट गई ऐसा नहीं होना चाहिए आ, मलिक रियाज साहब के खिलाफ जो है बहुत से लोगों ने यह कहा था कि जिन्हें इसको पूरे एंड तक हतमी अंजाम तक पहुँचना चाहिए और जो कसूरवार हैं उनको कटहरे में ला के खड़ा करना चाहिए तो अब जाके तकरीबन दो साल के बाद अब ये केस जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसकी डेट लग गई है देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या होता है शहजाद अकबर साहब मुशीर बरा एहत जो इमरान खान साहब की हुकूमत में थे उन्होंने जनाब एक वी किया है उस वी में उन्होंने इंकशाफ किया है कि साइफ़र केस में जो पहलू छुपे हैं वो कानूनी नहीं वो असल में सियासी और दफाई हैं साइफ़र के पीछे जो असल कहानी है उसको मैं शेयर करूंगा साइफर वजारत खाजा की प्रॉपर्टी है और जिस जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसका ताल्लुक वजारत दिफा से है साइफर केस में वजारत ख़ारजा और वजारत दिफा की तरफ से शिकायत नहीं की और ना कोई शवाद उनकी तरफ से पेश किए गए साइफर का मामला वजारत दाखिला की तरफ से सामने आया जिसका साइफर से कोई लेने देना नहीं है यह कानूनी सुकुम है वज़ी अजम ने अपने हलफ़ की खिलाफ वर्जी नहीं की है साइफर के वाले से सबसे पहले अरशद शरीफ ने बात की और जो किरदार थे उन पर बात की इस वजह से अर्शद शरीफ का कत्ल हुआ पहले साइफर वजीर खारजा शाहमुद कुरैशी और वजीर आजम इमरान खान को नहीं मिला साइफर को पहले वजे ख़ारजा और वजेराजम से छुपाया गया जब एम्बेसडर असद मजीद ने कुछ दिन बाद वजी कुरैशी को रूटीन की कॉल की तो उनसे साइफर के बारे में पूछा जिससे शाह ममूद कुरैशी ने लाअलिमी का इजहार किया और उसके बाद शाह महमूद ने वजारत खारजा में सेक्ट्री खारजा और बाकी अमले की खूब दुर्गत बनाई और बिलाखिर वजारत खारजा से साइफर निकलवाकर वजी अजम तक पहुंचा दिया साइफर केस में जब वजर इमरान खान की जेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो वहाँ डॉक्टर शीरी मजारी ने अस्करी हु से काफी सख्त और तल्ख सवाल किए क्योंकि जनरल बाजवा मुसलसल हुकूमत को कह रहे थे कि अमरीका को जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि वो नाराज हो जाएगा डॉक्टर शीरी मजारी को भी इन्हीं बातों की सजा दी गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद जब इमरान खान ने बाजवा के कहने के बावजूद अमरीका को जवाब दिया और यह भी फैसला किया कि काबीना की मीटिंग में उसको डी क्लासीफाई करेंगे तो तब बाजवा ने खान साहब के साथ अकेले में मीटिंग की और खान साहब को थ्रेड किया कि अगर इसको डी क्लासीफाई किया तो आप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनाएंगे उस मीटिंग में खान साहब ने बाजवा को कह दिया कि आपने जो करना है कर ले मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए आज खान साहब उसी की सज़ा भुगत रहे हैं इस दिन में रखिए ये जो है वो शहजाद अकबर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सीरीज ऑफ इवेंट जो है वो इस तरह हुआ था यहाँ पे जहरी बात एक सवाल ये बनता है कि ये जो कह रहे हैं कि जी साइफर आया था और उसको छुपाया गया था और उसके बाद जो है शाहम कैशी साहब को जो पता लगा तो उन्होंने उसके बाद उसकी वजह फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब तक जो है वो ये साइफर पहुँचा था मेरा सर सवाल यहाँ पे ये बनता है कि कितनी को देर थी इसके अंदर कि जब वो पाकिस्तान में लैंड किया और इमरान खान साहब तक पहुँचा क्योंकि मुझे उस वक्त याद है कि असद मजीद का ये जो साइफ़र था ये मोस्ट ऑबली आठ तारीख तक आया था सात या आठ तारीख तक आया था और दस तारीख को इसके ऊपर इस मामले के ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने उस वक्त वीलॉक कर दिया था और उस दिन ही उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और इन्होंने इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दिया था सो so, मेरे ख्याल में हार्डली एक या दो दिन की बात है और उसके बाद तेरह तारीख को मैं आपको डेट आज बता देता हूँ तेरह मार्च दो हज़ार बाईस को उस वक्त आ, जो है वो जनरल बाजवा के साथ जो है एक एयरबेस के ऊपर इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी और साइफर को वहाँ पर भी डिस्कस किया गया था तो आ, छुपाने की हद तक जहाँ तक बात है इसको वी विल हैव हाँ टू चेक विद अदर सोर्सेज आल्सो के ये जो बात कही कही जा रही है वैसे पहले भी हो चुकी है कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान तरीके साहब के दीगर रहन ने भी उस वक्त ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि जी इमरान खान साहब से छुपाया गया था लेकिन जारी बात है दिस नीड्स टू तो बी इन्वेस्टिगेटेड और वैसे यहाँ पे इमरान खान साहब जब ये कहते हैं ना कि जी इसकी पूरी एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए तो साइफर के मामले की भी होनी चाहिए और नौ मई की भी होनी चाहिए ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब अगर ये डिमांड करते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए इसकी आज़ाद तहकीकत ज़रूर होनी चाहिए ताकि सच जो है वो पूरी कौन के सामने आए कि उस उस वक्त किस किस प्लेयर ने क्या क्या किरदार अदा किया था अच्छा जी इसके अलावा रूफ क्लासर साहब का एक वीलॉग सामने आया है और उसमें जो पॉइंट था वो ये था कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या सीखा है अक्सर डिस्कशंस होती हैं और वो यही होती हैं कि जी इमरान खान साहब ने अब काफ़ी टाइम जो है वो गुजार लिया है जब से वो जेल के अंदर गए हैं अटक में गए अटक के बाद अडयाला आ चुके हैं तो वेन ही वेन वेन एवर ही कम्स आउट मुझे नहीं पता कब आते हैं बाहर महीने लगते हैं साल लगते हैं आई डोंट नो लेकिन जब भी बाहर आएंगे तो उनकी पर्सनैलिटी में क्या तब्दीली आ चुकी होगी क्या कुछ उन्होंने सीखा होगा या थाट प्रोसेस अब उनका क्या होगा तो रऊफ क्लासरा साहब ये फरमाते हैं कि वासी ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान के करीब लोग और गुज़रा कहते हैं कि इमरान खान जो फ़ैसले करते हैं वो आखिरकार उनके हक में जाते हैं आ, क्या सारे फैसले इमरान खान के हक़ में गए ऐसा नहीं है अपने ट्वीट में खान साहब ने कहा कि इमरान खान ने एक अच्छी चीज़ की वो अपनी गुजरी हुई सियासी ज़िंदगी को जेल में रिव्यू कर रहे हैं दो हजार इक्कीस में डीजी आई एस आई के नोटिफिकेशन पर जो टकराव हुआ उसको सोच रहे होंगे क्योंकि खान साहब जनरल फेज पर बहुत इतम कर रहे थे दूसरी गलती ये कि कि तरीके अदम के बाद पार्लियामेंट से निकल गए तीसरा पंजाब और खैबर पख की इसम्बलियां तोड़ दी चौथा जनरल बाजवा से लड़े और फिर नए आर्मी चीफ से नौ मई हो गया क्या इमरान खान ने अभी भी कुछ नहीं सीखा सो so ये सारे वो एक्चुअली पॉइंट आई थिंक ही इज एक्चुअली थिंकेड इट क्वाइट वेल टास्टर साहब ने कि बाकी ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब बाकी सोच रहे होंगे कि मुझसे गलतियाँ क्या हुई हैं हो सकता है बल्कि चंद चीज़ों के बारे में वो अभी भी एडमेंट हों कि नहीं मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया लेकिन चंद चीज़ों के बारे में इंसान जब तन्हाई में होता है ना और ऐसी सिचुएशन में होता है तो फिर वो रिव्यू ज़रूर करता है कि मुझसे गलत स्टेप्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर उठाए गए हैं अच्छा जी इसके अलावा सूबाई हुकूमत की जानब से असद कैसर की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपील सुप्रीम कोर्ट ने समात के लिए मुकर कर दी है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सब्राहि में दो रुकनी बेंच उन्नीस अक्टूबर को सुबाई हुकूमत की अपील पर समात करेगा असद कैसर की जबान मनसूखी के लिए सूबाई हुकूमत ने अपील दायर कर रखी है असद कैसर पर नौ मई के वाकत में मुलविस होने का मुकदमा दर्ज है तो एक ये मामला भी जो है आने वाले हफ्ते के अंदर आने वाला हफ्ता वैसे वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते और ये सिलसिला मतलब आप देखिएगा और हफ्ते तक जो है वो काफी सबक so मेम्बर कौमी असम्बली पार्लियमेंट लॉजे और एम एन एस्टल इस्लामाबाद के ना दहिंदा निकले हैं और उन्होंने अपने फैमिली स्वीट के महाना कराए के वाजबात भी अभी तक अदा नहीं किए हैं यह बड़ी लंबी लिस्ट है जराए के मुताबिक आइंदा आम इंखाबात में हिस्सा लेने से कबल इन सबक मंबरान असम्बली के लिए यह वाजबात अदा करके एन ओ सी लेना लाजमी होगा पार्लियामेंट लॉजिस्ट डायरेक्ट्रेट की जानब से मुरतब करदा फहरिस्त के मुताबिक ना दहिंदगान में मुनवरा बीबी बलोच एक लाख आठ हज़ार अब्दुलशकूर मरहूम एक लाख आठ हज़ार सबक स्पीकर डॉक्टर फमीता मिर्ज़ा साठ हज़ार सबक स्पीकर असद कैसर चौवन हज़ार चौधरी शौकत अली भट्टी अड़तालीस हज़ार गजा सेफी छियासी हज़ार जवाद हुसैन एक लाख आठ हज़ार मोहम्मद इसरार तरीन एक लाख आठ हज़ार आलिया हमजा मलिक जो इस वक्त जेल में हैं एक लाख तिरानवे हज़ार छः सौ डॉक्टर हैदर अली खान अड़तालीस हज़ार सबक वज़ी तजारत सैद नवी नवीद कमर साठ हज़ार गुलाम मोहम्मद मेहर लाली चौवन हज़ार शाजिया मरी एक लाख आठ हज़ार मलिक एहसान लाला टिवाना एक लाख आठ हज़ार मोहम्मद इब्राहिम खान अड़तालीस हज़ार सबक अपोजिशन लीडर राजा रियाज एक लाख आठ हज़ार अमीर अली शाह जामोट दो लाख चार हज़ार सोबिया कमाल खान छियानवे हज़ार मोहम्मद फारूक आजम अड़तालीस हज़ार उमर असलम खान अड़तालीस हज़ार आसिया अजीम इकहत्तर हज़ार आठ सौ सबक वज़ी शाहजैन बुट्टी दस हज़ार आठ सौ मुनज़ा हसन दस हज़ार ए सॉरी एक लाख आठ हज़ार शबीर अली कुरैशी एक लाख सरसठ हज़ार राना इसहाक़ खान बावन हज़ार शानदाना गुलजार साहिबा पी टी आई चौवन हज़ार छः सौ सबक महमूद एक लाख आठ हज़ार शनीला रथ अड़तालीस हज़ार लाल चंद एक लाख आठ हज़ार साजिद खान अड़तालीस हज़ार राय मुर्तजा इकबाल एक लाख आठ हज़ार अमानुल्ल भट्टी एक लाख आठ हज़ार फ़्र जमान खान चौवन हज़ार मीर मोहम्मद अली अड़तालीस हज़ार अब्बास साहिबा एक लाख आठ हज़ार रुबीना जमील एक लाख आठ हज़ार चौधरी जुनेद इकबाल एक लाख आठ हज़ार इमरान खटक अड़तालीस हज़ार मलिक अनवर ताज एक लाख आठ हज़ार मुजाहिद अली खान अड़तालीस हज़ार सदाकत अली इबासी जिन्होंने अभी अभी इंटरव्यू दिया था डॉन पे अड़तालीस हज़ार सैयद फैजुल हसन अड़तालीस हज़ार नौशीन इफ्तार गालबन नून लीग एक लाख अस्सी हज़ार रजा नसरुल्ला घुमन एक लाख आठ हज़ार मखदूम खुसरो बख्तियार बावन हज़ार दो सौ गुलजफ़र खान एक लाख आठ हज़ार चौधरी ताहिर इकबाल अड़तालीस हज़ार अब्दुल मजीद खान अड़तालीस हज़ार सबक डिप्टी स्पीकर जाहिद अक्रम दुरानी एक लाख आठ हज़ार इकबाल खान अड़तालीस हज़ार और फहीम खान कराची से पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा चौवन हज़ार रुपये तो ये जनाब ये पूरी लिस्ट है इन लोगों की जिन्होंने अब तक ये पेमेंट्स जो हैं वो नहीं की हुई इसके अलावा जनाब इलेक्शन एक्ट में ताहिर ना नाहली के कानून को ख़त्म करने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसात से लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है जिसमें इलेक्शन कमीशन विफाक हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरवीम करके ताहरत नाहली की मदद को ख़त्म करके पाँच बरस कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल बासठ वन एफ की पहले ही तशरी कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तशरी के बाद कानून में तरमीम करना आइन के आर्टिकल एक सौ पचहत्तर के सेक्शन तीन की खिलाफ वर्जी है अदालत इलेक्शन एक्ट में तरमीम के इकदाम को कलदम करार दे तो जनाब एक खबर जो है वो ये है इसके अलावा मुस्लिम ने जनाब लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में ये जो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आने वाले हफ्ते के अंदर जो है वो सारा फोकस होने जा रहा है इक्कीस अक्टूबर के जलसे के लिए पार्किंग साइट्स का प्लान मुरतब कर लिया है पचास हजार से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग साइट्स जो है वो दस्तियाब होंगी लाहौर के तमाम सबकान कौम और सुबह इसमेंबली टिकट होल्डर समेत ज़रिए और डिविजनल सदूर और जनरल सेक्रटरीज को गाइडलाइंस दे दी गई हैं नून ली के एक जरिए से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा जी आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं वॉट आर यू एक्सपेक्टिंग उन्होंने कहा कि दो चीज़ें जो हैं वो हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एक कि ट्रैफिक का फ्लो जो है ना वो स्मूद होना चाहिए ताकि ये ना हो कि अगर लोग आ रहे हो तो ट्रैफिक देख के भाग जाएंगे यार रश बढ़ाए हम नहीं पहुँच सकते तो वो कहीं डिस्करेज ना हो तो हमारी कोशिश है कि उसका स्मूथ फ्लो जो है वो होना चाहिए पार्किंग के इंजाम होने चाहिए लोग जो हैं वो आराम से जलसागा तक पहुँच चुके हैं पहुँच सकें है। तो ये जनाब एक खबर ये है आ, इसके अलावा जावेद लतीफ़ साहब ने मुस्तिक नून के जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तु की उन्होंने कहा दस पंद्रह बरसों से कराची के हालात ने हमें मजबूर कर दिया है कि वहाँ हम जाएँ बिलावल भुट्टो से अच्छा ताल्लुक है कराची और अंदरून सिंध में नई तंजीम बना दी है इसके लिए तकलीफ है अब वो डर रहे हैं कहीं कराची उनके हाथ से ना निकल जाए नहीं निकलता नून लीग की जो परफॉर्मेंस है ना कराची की नहीं निकलता आपके हाथ से आप बेफिक्र हैं पीपल्स पार्टी के हाथ से नहीं निकलता किसी जमात को सिंध तक महदूद नहीं रहना चाहिए बदकिस्मती से हम चौदह से पंद्रह साल से कराची नहीं जा सके आ, मेरी इतलात के मुताबिक नून लीग के लिए अगर कोई चांस है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एम क्यू एम के साथ जो है वो कोई इंतद जो है वो कायम किया जाए उस सूरत में आ, जो है वो सिर्फ कुछ हो सकता है वरना आ, मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई इसमें फ़र्क पड़ेगा इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट ने नायब तरामीम के ख़िलाफ़ जो फैसला था उसे चैलेंज कर दिया गया है नजर षानी अपील जो है जिस तरह अभी मैंने आपको अभी जो फैसला आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से तो उसके अंदर अगर आप आग याद करें तो मैंने उस वी के अंदर यही कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नैब तरामीम के हवाले से होगा जिन्हें उड़ा दिया गया था सबक चीफ जस्टिस उम्रता बंदयाल की कोर्ट ने उड़ा दिया था तो उस फैसले को अब चैलेंज कर लिया गया है और चूंकि अपील का हक जो है वो बहाल हो चुका है तो उसी के तहत नायब तरामीम के उस फैसले के खिलाफ जो है वो अपील अब दायर कर दी गई है अब देखते हैं कि जो नई बेंच है वो जब इसको सुनती है तो फिर इस सिलसिले में अपना क्या वर्डिक देती है अच्छा जी अब आ जाए जरा इमरान रियाज खान साहब के इशू के ऊपर हुआ ये शाहिंदाई साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत सालों से अमरीका के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं उन्होंने एक ट्वीट किया इमरान रियाज के हवाले से उन्होंने कहा इमरान रियाज खान के दोस्त मुतवजे हों मुझे मालूम हुआ है कि हमारे बहादुर दोस्त इमरान रियाज को खुफिया वालों ने तो घर भेज दिया है मगर उनको किसी से मुलाकात करने किसी दोस्त से बात करने और शक्ल दिखाने तक पर उनके अपने ही वकील साहब ने पाबंदी लगा रखी है ना जाने ये क्या मामला है घर वाले बेबस लग रहे हैं और उनके दोस्त परेशान मगर कई लोग कह रहे हैं कि वकील साहब कुछ घबरा रहे हैं मेरा इनके वकील इशफाक साहब से जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है गुजारिश है आप फौरी तौर पर इमरान को उनके पुराने दोस्तों और साथियों से मिलाएँ उसको अपनी ज़िंदगी वापस दिलाएं और फौरी इंतज़ाम करें कि इमरान और उसकी बीवी बच्चे पाकिस्तान से कुछ हफ्ते के लिए बाहर जाएं इनका चेकअप हो एक खुली आज़ाद फ़िज़ा में वो दोबारा अपनी टूटी फूटी ज़िंदगी को शुरू करें मैं उनको अमेरिका में अपने पास मेहमान रखने को तैयार हूँ जब वो बेहतर महसूस करें वापस जाकर काम करें वकील साहब नेक काम में देर ना करें ऐसा ना हो वक्त निकल जाए तो ये शाहीन सबाई साहब ने जो है वो ये कहा कि जनाब इनके दोस्तों से और पुराने जानने वालों से इमरान रियाज को मिलने नहीं दिया जा रहा और वो वजह जो है वो उसको ठहरा रहे हैं कि जनाब वकील उनके मियाँ इशफाक मियाँ अली इशवाक वो एक दफ़ा हमारे पास आई भी थी यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए उनको जो है वो वजह बता रहे हैं इस पर मियाँ अली इशवाक साहब ने जवाबी ट्वीट किया उन्होंने कहा शाही सभाई साहब आपसे गुजारिश है कि बेहद बेतुकी गैर तस्दीकशुदा और इंताई फजूल किस्म की बातें करने से पहले दुरुस्त तौर पर हक मालूम और छानबीन किया करें वरना इंसान की अपनी इज्जत में नुमाया कमी वाकई होती है इमरान रियाज खान अपने घर में बारह दिन रहने के बाद अपने फार्म पर सिर्फ अपनी फैमिली के साथ चंद दिन गुजारने के लिए गया जिन्हें पाँच माह उसके साथ वक्त गुजारने का मौका ना मिला आप गैर जरूरी तवज्जो हासिल करने से गुरेज करें और इमरान से सैकड़ों की तादाद में लोग मुलाकातें कर रहे हैं आ, कर चुके हैं और कर रहे हैं इमरान रियाज अपनी जिंदगी और मामलों में किसी ना कभी किसी का पाबंद रहा है और ना होगा अपनी सेहत बहाली के बाद मामूलत में वापस आएगा खुद कर दोबारा शर्मिंदा होने से बचाएं ना जाने सनसनी खेज बातों से आपका क्या लेना देना आप अमेरिका से यहाँ आकर मुलाकात करना चाहें तो खुशामदीद मैं ऑस्ट्रेलिया दस दिन के लिए आया हूँ और चंद दिन में वापस हूँ कोई मेरे लायक हो तो हाजिर हूँ ये उनके जो लॉयर हैं उन्होंने बात की अब मेरा मैं इस पे आई वुड लाइक टू एड टू सेंस द थिंग इज़ मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान से बाहर लोग होते हैं ना इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता कुछ नहीं होता ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी से फ़ोन पे बात कर ली बस उसी वही इनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं ना इन्होंने जाके एक्चुअली फ़िजिकली किसी से मिलना है ना देखना है बस बाहर बैठे बैठे जो है ना कोई ना कोई चीज़ इन्होंने दाग देनी है कि वहाँ ये एन जो हो गया देखें जी इमरान रियाज से मिलने नहीं दे रहे इमरान रियाज से बहुत लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं मैं खुद जाके मिल चुका हूँ तारिक मदीन साहब मिल चुके हैं इकरारुल हसन मिल चुके हैं रहमान शामी साहब मिल चुके हैं और कई दीगर साफ़ी हैं जो उनसे मिल चुके हैं सो so, मुझे नहीं पता ये शाहिन से भाई साहब को किसने बात की मैंने जब उनसे मुलाकात हुई थी आपको याद होगा तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इमरान रियाज की सेहत है माजरत के साथ आप लोगों की जानब से या किसी की जानब से ये कहा जाए बस एन लोग टी वी त लाओ किसी तरह एम कैमरे पर बिठा लो या कि इन शाला वो ज़रूर आएँ बिल्कुल वापस आना चाहिए मैं खुद इसके लिए दुआ करता हूँ कि वो वापस आएँ लेकिन उनकी सेहत से बढ़ के नहीं है उनकी फैमिली से बढ़ के नहीं है ही नीड्स टू स्पेंड टाइम विद हिस फैमिली एंड ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ फर्स्ट ये सबसे पहली चीज़ है तो uh, वैसे ही बिला वजह मतलब बंदा वेला बैठा चलो उनकी करिए चलो जी इमरान रियाज के उत्तर ना कोई कंस्पिरेसी थ्यूरी काटने हैं तो उसके ऊपर जो है और वो हम कह देते हैं कि जनाब ये सारा कुछ जो है वो उनके वकील ने किए मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सारी चीज़ के अंदर अगर आज इमरान रियाज अपने घर वापस आ चुका है ना या आया है तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये मियाँ अली इशवाक हैं ये उनके वकील हैं ये सारा क्रेडिट इस बंदे को जाता है और जब वो नहीं भी आए थे ना मुझे तब भी याद है कि इसी मियाँ इशाक के ऊपर दुनिया जहान के आप लोगों ने इल्जाम लगाए पता नहीं हर वो लौडे लपाड़े ने जाके जिसका दिल किया मुँह खोल के चपचप -चप बोलना शुरू कर दिया आज इमरान रियाज अगर घर वापस आया तो इस शख्स की वजह से आया इसकी मेहनत की वजह से आया और अभी भी मतलब उसके आने के बाद भी जो है वो बैठ के उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा मैंने मैंने खुद पर्सनली इमरान रियाज और आ, आ, उसके इस ये लॉयर नहीं है सिर्फ उनके उनके दोस्त भी हैं मैंने इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखा है अपनी आंखों से देखा है जब मैं मिलने के लिए गया था ये दोनों भाइयों से बढ़ के हैं तो आप आ, सिर्फ और सिर्फ आ, एक अटेंशन की खातिर या एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी मार्केट में लाने की खातिर आप उसके भाई के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस किस्म की बात करें बराए मेहरबानी इन चीज़ों से मेरे ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़